अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान तैर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो यार आज वीडियो में मैं जिस डिवाइस को लेकर आपसे बात करें, लोगों ने यार ये एक बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन वाइज जो है ना यार मुझे ये डिवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आपको थंबनेल देख के अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यार टेक्नो स्पार्क 9 प्रो। अब बहुत जल्द जो है ना यार इसको पाकिस्तान मार्केट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो खुल के सामने आ गई है और डिज़ाइन वाइज यार इस मोबाइल फोन ने सीरियसली मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान किया है। नया डिज़ाइन है, नई स्पेसिफिकेशन है, तो आज वीडियो में तमाम चीज़ें करूँगा आपसे डिस्कस। तो वीडियो पर बढ़ने से पहले चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके भाई, टेक्नो स्पार्क 9 प्रो जो है यार काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिज़ाइन वाइज इस मोबाइल फोन ने काफ़ी ज़्यादा हैरान किया है। अब टेक्नो स्पार्क 8 प्रो जब लॉन्च हुआ था ना तो उसकी भी बिल्ड और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और देखने के अंदर एक प्रीमियम फील हमें प्रोवाइड करता था। इसी तरह यार अब टेक्नो स्पार्क 9 प्रो जो है वो बहुत जल्द जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी डिज़ाइन को लेकर बात करूँ ना यार, तो बैक साइड के ऊपर आपको कुछ डोर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा जो कि है तो ट्रिपल कैमरा सेटअप, लेकिन जो मेन कैमरा जो दिए गए ना वो दो रिंग के अंदर आपको दिए गए, यानी कि जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग डिज़ाइन जो है वो आ रहा है, साथ में फ्लैट बॉर्डर्स है और ये ग्लॉसी शाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार डिज़ाइन वाइज ये मोबाइल फोन ने काफ़ी ज़्यादा हैरान किया है और एक नई लुक जो है ना हमें प्रोवाइड कर रहा है। और इसके जो बैक साइड पर जो ग्लॉसी शाइन है ना वो बिल्कुल देखने में ऐसा ही लगता है जैसे कि ग्लास बैग है, लेकिन है ये असल में प्लास्टिक बेल्ट और प्लास्टिक बैग ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने के अंदर। और कलर भी इसके अंदर ग्रीन और ब्लू से कलर के निकल कर आ रहे हैं, तो कलर्स की जो स्कीम होगी ना वो भी इस मोबाइल फोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आएगी। फ्रंट साइड के ऊपर आ जाए यार, तो फ्रंट साइड के ऊपर आपको 6x6 इंच का एक आपको 720 पिक्सल वाला IPS पैनल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ सपोर्ट करेगा। और ये जो पैनल होगा ना यार इसके अंदर आपको पंच होल वाला पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि सेंटर पंच होल होगा, तो छोटे सा आपको फ्रंट साइड के ऊपर जो है छोटा सा कैमरा पंच होल के अंदर। तो यार जो इसका डिस्प्ले है ना वो जैसे इन्फिनिक्स टेक्नो के हमें तमाम मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं ना, तो वैसे ही डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, लेकिन ये डिस्प्ले ठीक ठाक होता है इस बजट के अंदर, अभी एक अच्छा जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, साथ में 90 हर्ट्ज का पैनल होता है, तो साथ में आपका गेमिंग का जो मजा है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और प्रोसेसर को लेकर बात करूँ तो इसके अंदर आपको मीटर का हीरो G85 का प्रोसेसर आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। 4GB 128GB और 6GB 128GB के दो रैम रोम के वेरिएंट होंगे। अब 4GB वाले की जो प्राइस होगी ना वो तकरीबन एक्सपेक्ट की जा रही है कुछ 25,000 रुपये जो है वो लॉन्च की जाएगी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 4GB 128GB वाला। और अगर 6GB 128GB वाला रैम रोम का वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो उसकी प्राइस जो होगी वो तकरीबन 27,000 से 27,500 रुपये के राउंड अबाउट होगी। कैमरा को लेकर बात करूँ ना तो बैक साइड के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो मेन कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक रेलुकटा कैमरा, यानी कि एक VGA कैमरा। और फ्रंट कैमरा जो है वो इसके अंदर पंच होल के अंदर रखा जाएगा और सेंटर पंच होल होगा, ये भी अच्छी बात है, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। तो यार कैमरे वाइज भी ये मोबाइल फोन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर देगा। और इस प्राइस कैटेगरी के अंदर ना जो स्पेसिफिकेशन जो डिज़ाइन हम देखने को मिल रहा है ना यार under 25,000, तो यार मैं कहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ना अमेजिंग ये डिवाइस होने वाली है लुक वाइज भी, स्पेसिफिकेशन वाइज भी, और जो इसकी जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी जो निकल कर आ रहा है ना वो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि यार 25,000 के अंदर हमें इस वक्त कोई भी कंपनी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ऑफिशियली इसको जो है वो बहुत जल्द जो है वो कह लें कि लॉन्च कर दिया जाएगा ग्लोबली, इसको जो है वो बाहर काफ़ी सारी कंट्री में जो है वो साउथ एशिया वगैरह, कीनिया वगैरह के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मे भी इसको नेक्स्ट मंथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। 5000 mAh की बैटरी होगी, टाइप सी कनेक्टिविटी होगी और इस दफ़ा आपको 18W की फास्ट चार्जिंग भी आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। हालांकि टेक्नो स्पार्क 8 प्रो के अंदर हमें 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा इस मोबाइल फोन के अंदर हमें 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। तो यार मोबाइल फोन जो है वो डिज़ाइन वाइज मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप जो आपने पिक्स वगैरह देखी होगी, पिक्स वगैरह इसके अंदर ये डिज़ाइन की जो क्वालिटी है ना और जो इसका जो एक नया डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो बाकी जब ये मोबाइल फोन आएगा तो इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे, इसका रिव्यू वगैरह करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मेरे को तो वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर फिर हमें चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यार मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रा नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा, आपको मानता है। अल्लाह हाफिज़।